بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء قالوا وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وكان زعيم القوم أرذله وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث تو بہت لمبی حدیث ہے. اگر اس حدیث کے اوپر تفصیل سے تقریر کی جائے گی تو بڑا لمبا وقت ہو جائے گا. میں تو مختصر سی تقریر کروں گا, آدھ پون گھنٹے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. اس لیے اس حدیث کے کچھ جملے, ترجمہ تو میں ساری حدیث کا کروں گا مگر میں کچھ جملوں کے اوپر بولوں گا اور بات ختم کر دوں گا. یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی, فرمایا میری امت پر ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں آئیں. آسمان سے مصیبتیں آئیں گی, زمین سے مصیبتیں اٹھیں گی, ہر طرح سے امت مصیبتوں کا شکار ہوگی. کب؟ یہ نہیں فرمایا 10 سال میں, 20 سال میں, 100 سال میں, 1000 سال میں, نہیں. یہ 15 کام ہیں, جب میری امت میں یہ کام ہونے لگیں گے تو میری امت ساری دنیا میں, چاہے ایک کنارے پر آسٹریلیا میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے برما میں ہو, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے عرب میں ہو, افریقہ میں ہو, عجم میں ہو, کہیں بھی ہو, مصیبتوں کا شکار ہوگی. صحابہ نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ 15 کام کیا ہیں ہمیں بتائیے.
ताकि हम उन 15 कामों के खिलाफ जिहाद करें, उनको जन्म न लेने दें, उनको अपनी आबादियों में, अपने शहरों में, अपने कबीलों में, अपने खानदानों में, जहां तक पहुंच सकते हैं हम उन कामों को न होने दें, ताकि उम्मत मुसीबतों से बचे। हमें बतलाइए तो वो 15 काम हैं क्या? अल्लाह के नबी को तो अपनी उम्मत से मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि किसी नबी को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत नहीं हुई जितनी मोहब्बत हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे है। अल्लाह के नबी ने एक एक करके 15 काम गिनवाए हैं। जब उम्मत ये काम करने लगेगी तो रहमत के दरवाजे बंद, खुदा की तरफ से अल्लाह के गजब के दरवाजे खुलेंगे। उम्मत हर जगह मुसीबतें ही मुसीबतें झेलती रही, दौलत भी होगी, पैसा भी होगा, हुकूमत भी होगी, बादशाहत भी होगी, सब कुछ होगा, मगर हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत होगी। अब देखिए, मैं आपके सामने जो अल्लाह के नबी ने बताया है एक एक करके बताऊंगा, फैसला आप कीजिए कि उम्मत वो 15 काम कर रही है नहीं कर रही है। आखिर मुसीबतें आ क्यों रही हैं? दुनिया में किसी पर मुसीबत नहीं, अगर मुसीबत है तो मुसलमान के ऊपर है। देख लो, सारी दुनिया आज हमारे सामने है, अपने घर में बैठो और सारी दुनिया को आदमी देखता है। अगर कहीं किसी कौम पर जालिम की तलवार गर्दन पर चल रही है और सीने पर बंदूक चल रही है, मुसलमान के सिवा कोई नहीं है। पूछती परे, समझते हो नहीं समझते हो? देख लो, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, मेरी उम्मत जब 15 काम करने लगेगी, उम्मत के ऊपर मुसीबतें आएंगी। 1400 साल पहले फरमाया था, आज एक एक काम उम्मत कर रही है और मुसीबतें हैं कि रात और दिन मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। वो 5 काम 15 काम क्या है देखो। सबसे पहली और दूसरी चीज, इदा कान अल मगनम दुअलन वल अमानत मगनमन, कायदा और कानून कुरान और हदीस का ये है कि जहां कहीं अमीरुल मोमिनीन जिहाद करेगा, अगर अल्लाह ने फतह दे दी तो जो माल गनीमत होगा वो बादशाह का हिस्सा नहीं है, उसका हक नहीं है, जिन्होंने जिहाद किया है उनमें तकसीम कर दिया जाएगा, ये कानून है। फरमाते हैं जब
बादशाह इतना बेईमान हो जाए, अमानत का जनाजा निकल गया, जो हिस्सा जिहाद करने वालों का था उन्हें तो महरूम कर दे और खुद उसके ऊपर कब्जा कर ले। दूसरा, दोनों का हासिल करीब करीब एक ही है, वल अमानत मगनमन। दूसरी यह है कि अमानत आदमी के दिल में न रहे। अगर कोई किसी के पास अमानत रख दे तो वो उस अमानत को खा ले, वापिस न करे। दोनों का हासिल एक ही है। क्या? जो बादशाह वक्त है, करोड़ों का, अरबों का मालिक है, मुल्क का खजाना उसके हाथ में, वो भी बेईमान। और आम आदमी जो रास्ते में है, अगर किसी को किसी का हक मिल गया तो वो भी बेईमान। दोनों का हासिल एक ही है कि अमानत का जनाजा निकल गया, हर आदमी ईमानदारी खत्म हो गई। ये दो हैं। तीसरे, والزکات مغرما, زکات تو فقیر کا حق ہے۔ آدمی جس کے پاس دولت ہے اسے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اور فقیر دونوں کو ایک ہی طرح ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ پیدا کیا تھا، کچھ تو لے کر نہیں آئے نا۔ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ فقیر سڑک پر بیٹھ کر صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، اور مجھے عزت کے ساتھ اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ جو مجھے دیا ہے اس میں سے 40% میں سے 1% میں فقیر کو دوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے جب زمانہ ایسا آ جائے کہ میری امت زکات دینے کو گورنمنٹ کا ٹیکس سمجھنے لگے، اور جس طرح آدمی ٹیکس کی چوری کرتا ہے اسی طرح زکات کی چوری کرنے لگے، دیکھو یہ دیکھو ہے، یہ پایا جاتا ہے امت میں، نہیں پایا جاتا۔ تین چیزیں آگے، چار چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ جب زمانہ ایسا آ جائے کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے، اور اپنے دوست کو سینے سے لگانے لگے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے، جنم کس نے دیا تھا؟ بیوی نے جنم دیا تھا، جنم تو ماں نے دیا، چھاتی سے دودھ ماں نے پلایا، رات اور دن مصیبت سر پر اٹھائی، ماں نے باپ نے پرورش کی، پالا پڑھایا لکھایا، اور پھر ماں لے کر بیوی بہو لے کر کے آئی۔ اب کیا ہے؟ ماں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔
बीवी के मुकाबले में माँ को ठोकर मार देना, दोस्त के मुकाबले में बाप को ठोकर मार देना अल्लाह की रहमत नहीं, खुदा के अजाब का इंतजार करना। ये मतलब नहीं है कि बीवी के हक को ना अदा कर, अदा कर, लेकिन माँ बाप के हक के बराबर ना औलाद का हक हो सकता है ना बीवी का हक हो सकता है। देखो कुरान में अल्लाह ने माँ बाप का हक अपने हक से मिलाकर बताया है। पहला नंबर अल्लाह के हक का है, क्यों? सारे जहान को पैदा करने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला, जब चाहे दुनिया को खत्म करने वाला अल्लाह है। तुझे पैदा करने वाला, तेरी आंखों में रोशनी डालने वाला, तेरे कानों में सुनने की शक्ति पैदा करने वाला, तेरी जबान में बोलने और खाने का मजा मालूम इल्म देने वाला कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा हक भी अल्लाह का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर माँ बाप का हक। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने इसी तरह बताया है, पहला नंबर हमारे हक का है, हमारा हक अदा करो। उसके बाद दूसरा नंबर माँ बाप के हक का है, उनका हक अदा करो। देखो पहले सिपारे के अंदर है, وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, हमने बनू इसराइल से अहद लिया था, उस उम्मत से जो गुजर गई, क्या अहद लिया था? नंबर अव्वल अहद लिया था, ला तअबुदून इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये किसका हक है? ये तो पहला नंबर अव्वल का अहद था। नंबर दो का अहद क्या लिया था? वो बिलवालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करोगे, बिल्कुल मिला के। पहला नंबर अल्लाह का है जिसने सारे जहान को पैदा किया, दूसरा नंबर तेरे ऊपर माँ बाप का है जिन्हें अल्लाह ने तेरे पैदाइश के लिए जरिया बनाया, उनका हक दूसरा हक है, अल्लाह ने अपने हक से मिला करके बयान किया। एक जगह, दूसरी जगह देखो पांचवें इस बारे में है, वअबुदु अल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयन, ऐ लोगो एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ। क्या मतलब शरीक न बनाओ? अल्लाह औलाद देता है, ये पीर साहिब भी औलाद देते हैं, इनसे मांगो। अल्लाह इज्जत देता है, ये पीर साहिब भी इज्जत देते हैं। अल्लाह क्या कहता है? एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ। रोटी, रोजी, इज्जत, जीवन, जिंदगी, मौत, जिल्लत, हर चीज देने वाली जात अल्लाह है।
फरमाते किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ, ये किसका हक है? और बिल्कुल मिला कर وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بِلْكُلْ مِنْ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے حق سے بالکل ملا کر۔ پندرہویں سپارے میں فرماتے آئے وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لکھ دیا، کیا؟ لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اے لوگوں تمہارے اوپر لازم کر دیا، کیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا نہ کسی کو سجدہ کرو، نہ کسی کی قبر پر جا کر کے ماتھا ٹیکو، نہ کسی کی نماز پڑھو، نہ کسی کا حج کرو، نہ کسی کا روزہ کرو، کرو تو صرف ایک کا، کس کا؟ اللہ۔ یہ فیصلہ فرما دیا، اور دوسرا فیصلہ کیا فرمایا؟ وہ بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ ہو اچھا سلوک۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ چوتھی جگہ آٹھویں سپارے کے اندر فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم، آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن نے، اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ جب علیکم الا تشرکوا به شیئا، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کا کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ بناؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو بتاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، رسول اللہ کا حق اللہ ہی کا حق ہے۔ ارے رسول کس کا ہے؟ اللہ ہی کا تو رسول ہے، اس لیے یہ نہ سوچنا کہ اللہ کا تو حق ہے، رسول اللہ کا حق کہاں گیا؟ رسول اللہ کا حق اللہ ہی کا حق ہے۔ اس کے بعد نہ کسی بادشاہ کا، نہ اولاد کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ پیر کا حق ہے۔ اگر حق ہے تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا حق ہے۔ کون سکھلا رہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ بھی جب بیان کرتا ہے یہی ترتیب، پہلے نمبر پر اللہ کا حق ادا کرو، اور دوسرے نمبر، یہ نہیں کہتا میرا حق ادا کرو، نا، یہ کہتا ہے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ ایک دن اللہ نے، اللہ کے نبی نے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، جو نمبر ایک کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک بنانا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔
अल्लाह का किसी को शरीक बनाना, ये किसका हक है? सहाबा अर्ज करते, हमने कहा या रसूल अल्लाह, इसके बाद दूसरे नंबर का बड़े से बड़ा गुनाह क्या है? फौरन फरमा उकूकुल वालिदैन, दूसरे नंबर का बड़े से बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी है। पहले नंबर पर अल्लाह का हक अदा न करना और दूसरे नंबर पर माँ बाप का हक अदा न करना। जो तरतीब अल्लाह ने कुरान में फरमाई वही तरतीब रसूलुल्लाह हदीस के अंदर फरमाता है। दूसरी जगह हजरत मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त मेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नसीहतें फरमाई। उन 10 नसीहतों में सबसे पहली नसीहत फरमाया ला तुशरिक बिल्लाही शैयन व इन कुतिलता व हुर्रिकता। ऐ मुआद, अल्लाह का जरा भी किसी को शरीक न बनाना किसका हक है? कहां तक? फरमाते व इन कुतिलता व इन हुर्रिकता, अगर दुनिया तेरे सामने आए तलवार लेकर बंदूक लेकर कहे कि मुआद अल्लाह का किसी को शरीक बना नहीं तो तेरी गर्दन काट देंगे, गोली मार दूंगा। अल्लाह का नबी फरमाता है वइन कुतिलता, मर जाना मान लेना गवारा कर लेना मगर अल्लाह का किसी को शरीक ना। अगली बात वहुर्रिक्ता, अगर दुनिया कहे कि मुआद अल्लाह का किसी को शरीक बना नहीं तो ये आग जल रही है तुझे जिंदा को पकड़कर आग में डाल देंगे। अल्लाह का नबी फरमाता है मुआद जल जाना मगर अल्लाह का किसी को शरीक नहीं बना। हजरत इब्राहिम के साथ यही तो हुआ था, तू हमारे माबूदों को जिनको हम अल्लाह का शरीक बनाते हैं उन्हें नहीं मानते, आग में जला दो। हो सकता था कि हजरत इब्राहिम कहते भाई मैं छोड़ दो, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, मुझे जिंदा को न जलाओ, मगर का जो चाहे कर दो, अल्लाह का किसी को शरीक नहीं बनाया जा सकता। जिंदा जल जाना मंजूर, अल्लाह को शरीक बनाना मंजूर नहीं है। उठा करके डाल दिया आग के अंदर। वही तालीम अल्लाह का नबी मोहम्मद दे रहा है अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाता है व इन कुतिलता व हुर्रिकता, शरीक न बनाना ये तो अल्लाह का हक है। फरमाते हैं दूसरी नसीहत, 10 नसीहतें फरमाए उसमें दूसरी नसीहत क्या है? फरमाया ला तहुक्कन्ना वालिदई का वो इन अमरा का अंत खुरुजा मिन अहली का व माली का। ऐ मां, हरगिज़ अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। बिल्कुल पहला नंबर अल्लाह के हक का है और दूसरा नंबर माँ बाप के हक का है। हरगिज नाफरमानी ना करना। कितनी नाफरमानी ना करो, कहां तक? फरमाते हैं वह इनाम रहा का अंतरुजा मिन आहली का व माली का, अगर तूने घर बनाया
लाख का, दो लाख का, दस लाख का, पचास लाख का, आज तो घर मिलियनों के बनते हैं। मैं अभी लंदन में एक साहब के पास गया, मैंने कहा भाई बड़ा बेहतरीन, कितने का खरीदा? कहा 3 मिलियन और कुछ पाउंड का खरीदा। अल्लाह का नबी क्या फरमाता है, अगर तूने घर बनाया 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन का, और उस घर के अंदर हर चीज ला करके रख दी, अपनी औलाद को ला करके बसा दिया, अगर माँ बाप कहे कि बना बनाया बसा बसाया घर छोड़ के बाहर निकल, अल्लाह का नबी फरमाता है बाहर निकल के खड़े हो जाना, माँ बाप की नाफरमानी न करना। देखते हो, और अगर करोगे तो इसका मतलब ये अल्लाह की रहमत का दरवाजा बंद है, अब खुदा के अजाब का इंतजार करो। मुसलमान कहता है मुसलमान है, मुसलमान ये है वो दीन जिसे लेकर अल्लाह का नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था। कहां है मुसलमान, क्या समझता है मुसलमान? यह दीन मोहम्मदी, शरीयत मोहम्मदिया जिसको कहा जाता है, मुसलमान ये समझता बस नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो और उसके बाद सब खत्म। सही है, नमाज ईमान के बाद इस्लाम में सबसे बड़ी चीज है, हज बहुत बड़ी इबादत है, रोजा बहुत बड़ी इबादत है। ये समझना कि बस यही इस्लाम है ये भूल है। अल्लाह का नबी फरमाता है अगर मुआमलात आदमी के माँ बाप के साथ अच्छे नहीं है तो मुसीबतों को तेरी नमाज रोक नहीं सकेगी। इसीलिए हदीस के अंदर आता है कि आपके पास एक शख्स आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बूढ़ी है, बिल्कुल अपाहिज है, मैं ही खिलाता हूँ, मैं ही पिलाता हूँ, मैं ही सुलाता हूँ, मैं ही पेशाब कराता हूँ, मैं ही पखाना कराता हूँ, जो काम वो मेरा बचपन में किया करती थी आज बुढ़ापे में मैं सब वो काम उसका करता हूं, जो उसने मेरी बुढ़ापे में खिदमत की थी, वो जो कर्ज था मेरे ऊपर आज मैं वो कर्ज अदा कर रहा हूं, वो मेरी खिदमत बचपन में करती थी आज मैं वही सब खिदमत बुढ़ापे में उसकी कर रहा हूं, क्या या रसूल अल्लाह वो जो मेरे ऊपर कर्ज था आज खिदमत करूंगा तो वो कर्ज अदा हो जाएगा? फरमाया नहीं, वो जब खिदमत करती थी तो दुआ करती थी अरे अल्लाह मेरे बच्चे को इज्जत देना, धन देना, सेहत देना, बड़ी लंबी जिंदगी देना, अगर इसके बस में होता तो अपनी जिंदगी भी काट के तुझे दे दे। आज तू उसकी खिदमत कर रहा है, वो तो कहती थी लंबी जिंदगी देना और तू कहता है अल्लाह दीन ईमान के साथ इसकी मुश्किल आसान करते, खत्म करते। तो देख कितना फर्क है, वो किस जज्बे से तेरी खिदमत करती थी
और आज तू खिदमत उसकी कर रहा है, तेरे दिल के अंदर क्या है? दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? मेरे भाई, ये अगर उम्मत अपने माँ बाप का हक अदा करती है, अल्लाह की रहमत रात और दिन उस पर बरसेगी। और माँ बाप का हक अदा नहीं करेगी तो अल्लाह का अजाब। फिर देखो, कुछ गुनाह तो ऐसे हैं, आदमी कत्ल करता है, कातिल वजीर बनता है, मुल्क का बादशाह बन जाता है, हालांकि कत्ल किया, जुल्म किया, पैसा ले लिया, चोरी करवा दी, डाका डलवा दिया, और उसके बाद बड़ा आलीशान मकान महल भी है और वजीर भी बन गया और सारी दुनिया झुक के सलाम भी करती है। बदले की जगह ये दुनिया नहीं है। आदमी को उसके किए का बदला दूसरी दुनिया में, क्या मतलब आखिरत में मिलेगा या नहीं मिलता। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका बदला दुनिया में भी मिलता है और जो कयामत में मिलेगा वो तो अलग है। उनमें एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी भी है। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को दुनिया में अल्लाह उसका बदला देता है और जो कयामत में होगा वो तो अपनी जगह पर रहेगा। इसीलिए अंबिया ने और खास तरीके पर हमारे आका और हमारे सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी ताकीद फरमाई, तुम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मौजूदा तालीम, तहजीब, तमद्दुन हर चीज ऐसी है कि माँ बाप का कोई हक नहीं है। मुझसे लोग इंग्लैंड में कहते हैं कि यहाँ तो ये सबक पढ़ाया जाता है माँ बाप के नहीं, तुम स्टेट की औलाद हो। अरे माँ ने जिस दिन से तुझे जना है उस दिन से स्टेट तुझे पैसा दे रही है, उसी के पैसे को तू पी रहा है, खा रहा है, सब ज्यादा अब तू औलाद भी स्टेट की है। अगर माँ बाप मार दें उसको और वो जाके शिकायत कर दे, दोनों के हाथ पड़ी रख के जेल में। जिस दीन को अल्लाह ने अपने नबियों को देकर दुनिया में भेजा है वो ये नहीं है, वो तो ये है अल्लाह के बाद माँ बाप का हक है। करेगा तो तेरी दुनिया भी आबाद होगी, तेरी आखिरत भी आबाद होगी। दुनिया भी हदीस के अंदर आता है कि तीन आदमी कहीं जा रहे थे सफर पर, बारिश, आंधी, तूफान, यहां तो कम आता होगा पर बंगाल में तो बहुत आता है, आने लगा। ये बेचारे कोई पहाड़ था, उसके अंदर कोई गार था, गुफा, उसके अंदर तीनों जाकर के छुप गए बारिश से बचने के लिए। ऊपर से एक पत्थर हवा में टूट करके नीचे गिरा और उस आके दरवाजे को, वो जो गुफा का दरवाजा था उस पे आकर के बैठ गया। इतना बड़ा पत्थर, इनके अंदर ताकत भी नहीं थी जूते हटाने। इसका मतलब है तीनों की कब्र बन गया, वो अब निकल सकते ही नहीं। मोबाइल भी नहीं था, किसी ने बात करके कहते भाई हम यहाँ फंसे हुए, निकाल दो। क्या किया? तीनों अपने आप को मजबूर समझने लगे तो तीनों ने आपस में बातचीत करके कहा, भाई दुनिया में हर शख्स ने जो बेहतरीन से बेहतरीन काम अमल किया है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक,
हर आदमी अपने उस अमल को पेश करे और अल्लाह से दुआ, ए अल्लाह अगर हमने ये काम तेरे लिए किया था और तू जानता है कि किसके लिए, तो हमें इस मुसीबत से नजात दे दे, इसे पत्थर को हटा दे। हर आदमी ने अपने अपने अच्छे से अच्छे काम को पेश किया, अरे अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था तो इसे पत्थर को हटा दे। पहले ने कहा, अल्लाह ने थोड़ा सा पत्थर हटा दिया, रोशनी नजर आने लगी। फिर दूसरा बैठा, उसने अपना काम कहा कि अल्लाह मैंने ये काम किया और तेरी रजा के लिए किया, अरे अल्लाह इसे थोड़ा सा और हटा दे। थोड़ा सा और हट गया। एक ने उसमें से कहा कि अरे अल्लाह मेरे माँ बाप थे बूढ़े, मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, हमारा गुजारा सिर्फ जानवरों के दूध पर होता था। मैं जानवर सुबह को लेकर जाता था चराने के लिए, शाम को आता था, दूध निकालता था, सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता था, खुद पीता था। एक दिन मैं जानवर लेकर चराने के लिए जरा दूर चला गया। जब मैं रात में आया, दूध निकाला, अब जब मैं घर में गया तो माँ बाप सोने सो चुके थे, बूढ़े थे। मैं उन्हें जगाता, उन्हें तकलीफ होती। मैं दूध लेकर के खड़ा हो गया कि जब ये उठेंगे तो इन्हें दूध पिलाऊंगा। मेरे बच्चे छोटे छोटे भूखे थे, वो मेरे पैरों में रगड़ते रहे कि अब्बा भूख लग रही है, हमें पिला दो भूख। मैंने कहा नहीं, जब माँ बाप पहले पिएंगे तब पिलाऊंगा तुम्हें। मैं इसी तरह लिए लिए खड़ा रहा सुबह तक। जब माँ बाप उठे, पहले मैंने उन्हें पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। अरे अल्लाह अगर मैंने ये तेरी रिजा के लिए किया था तो अरे अल्लाह इस मुसीबत से नजात दे दे। पत्थर हट गया, तीनों निकल के भाग गए। माँ बाप की इताअत इंसान को दुनिया के अंदर मुसीबतों से नजात भी दिलाती है, और अल्लाह के यहाँ तो जो रुतबा मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन माँ बाप का हक तो अल्लाह के हक के बाद दूसरा हक है, मिला करके बयान करते हैं। हमारे यहाँ देवबंद में एक दुकानदार था, उसके पास गए हम तो वो कहने लगा कि ये जो सामने दुकान पर बूढ़ा बैठा हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है कि इस बूढ़े ने अपने बाप को, बूढ़े बाप को, जब ये जवान था इसने अपने बूढ़े बाप को मारा और इसका बूढ़ा बाप इस नाली में गिरा था। इसके सारी लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। मैं ये सोचा करता था कि भाई मौलवी कहते हैं कि जो दुनिया में माँ बाप के साथ जैसा करता है उसे वैसे ही बदला मिलता है। मैं सोचा करता था कि अल्लाह मियां इसके तो कोई लड़का है ही नहीं, इसे कौन मार के यहाँ गिराएगा। कहने लगा आज मैंने देखा कि इसकी लड़की आई और इसकी लड़की ने इसे मारा और धक्का दिया, और जैसे मेरी आंखों ने देखा था कि इसका बाप नाली में गिरा, इसी तरह इसे नाली में गिरा। मेरे भाई ये माँ बाप का हक है। माँ बाप के हक को अदा करो, उन्हें राजी रखो। वो आदमी बड़ा खुश नसीब है कि जिसके माँ और बाप हैं और उसने उन्हें राजी कर रखा है, अपनी जन्नत को आबाद करता है।
उनकी खिदमत करता है, रात और दिन खिदमत करता है, अपनी जन्नत को और दुनिया को दोनों को आबाद कर रहा है। और देखो, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए और नाराज गए, गलती हो गई, नहीं जानता था उनका हक और वो दुनिया से चले गए। अल्लाह का नबी फरमाता है कि उनके लिए दुआ कर, मगफरत की दुआ कर, उनको सवाब पहुंचाने के लिए काम कर, जैसे मदरसा बनवा दे, मस्जिद बनवा दे, कि ये मेरे माँ बाप की तरफ से है, कुआं खुदवा दे, जहां कुएं को नल लगवा दे, कोई भी कार्य खैर कुरान शरीफ छपवा कर मस्जिदों में तकसीम करा दे, जिसका सवाब माँ बाप को पहुंचता रहे, कल कयामत के दिन जब माँ बाप को पता चलेगा ये पहाड़ जैसे सवाब है, अल्लाह हमने तो किए नहीं थे, ऐसा भी हदीस में आता है कि आदमी कहेगा कि अरे अल्लाह मैंने तो दुनिया में कुछ भी नहीं किया था, ये पहाड़ जैसे सवाब मुझे कहाँ इससे मिल रहा है। अल्लाह फरमाएगा तेरे बाद तेरी औलाद ने जो तेरे लिए दुआ की है और सवाब भेजा है, ये वो है। मायूस नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए और नाराज चले गए, उनको राजी करने के लिए जो कर सकता है बेहतर से बेहतर अमल वो कर और सवाब उनको पहुंचा, उनके लिए अल्लाह से मगफरत की दुआ कर, कुरान पढ़ के बख्श, उनके नाम पर उमरा कर, अपना फर्ज हज करने के बाद माँ बाप के नाम पर हज कर, मस्जिद बनवा, उनको सवाब पहुंचा, इतना पहुंचा कि दुनिया में नाराज थे कल कयामत के दिन राजी हो जाए। वरना माँ बाप के हक को छोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी से पूछा, फरमाया माँ बाप का हक अदा कर। कहने लगा या रसूल अल्लाह, कभी कभी माँ बाप बड़ा जुल्म करते हैं। अल्लाह के नबी ने तीन मरतबा वो इन जलमा, अगर चे जुल्म करें, तुझे उनकी नाफरमानी का हक नहीं। मेरे भाई, जिस किसी के सर पर माँ बाप का साया है वो उनके हक को अदा करे, और जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए मगफरत करे। नहीं करोगे तो अल्लाह का नबी फरमाता है कि मेरी उम्मत पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे। एक तो ये चीज थी जो मैं कह रहा था कि मैं उसकी तफसील बयान करूंगा, बाकी तो तर्जुमा करूंगा। अगली चीज फरमाते वकान ज़ईमुल क़ौम अज़लहु, कौम अपना सरदार उसे बनाएगी, होना चाहिए था वो कि कौम अपना सरदार बनाती जिसके दिल में सबसे ज्यादा खौफ खुदा होता। इसका मतलब है कि सरदार बनाने वाले जब जिसके दिल में सबसे ज्यादा तकवा है, खौफ खुदा है, उसको बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन बनाने वालों के दिल में खौफ खुदा है। और अगर बनाया कौन, रदील, कमीना, नाफरमान, बेनमाजी, बेरोजेदार, शराबी, कबाबी, फरमाते हैं ये अलामत कयामत है। वो नहीं, पूरी कौम के दिल से ईमान निकल गया। अरे देखो, अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो सहाबा ने मिलकर किसे अपना सरदार बनाया?
अबू बकर को। कौन है अबू बकर? इस उम्मत में अल्लाह के नबी के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? अबू बकर का। अबू बकर दुनिया से गए, सहाबा ने किसे अपना सरदार बनाया? उमर को। कौन उमर? जिनका रुतबा इस उम्मत में अल्लाह के नबी के बाद तीसरा रुतबा है। उमर गए, किसको बनाया अपना सरदार? उस्मान। जिनका रुतबा चौथा रुतबा है। उस्मान चले गए, किसे अमीर बनाया? अली मुर्तजा को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। इसका मतलब है कि सहाबा सब के सब साहिब तक्वा और तहारत थे। जो सबसे बड़ा मुत्तकी था उसे अपना अमीर बना करके रख दिया। अगली चीज फरमाते हैं, उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्री। जब आदमी का एहतराम और इकराम उसके तकवे की वजह से, इल्म की वजह से, तहारत की वजह से नहीं, उसके शर से डर करके हर आदमी उसको सलाम करे। जब दावत होती है तो उसको सबसे पहले दावत दी। क्यों? अरे अगर इसको दावत न दी गई तो ये तो मार देगा। हर आदमी झुक के सलाम, अरे सलाम करो, इसे नहीं करोगे तो ये शहर में रहने नहीं देगा। अगली चीज फरमाते हैं, वर्तफात अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में आवाजें उठने लगे। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। इसमें तो आदमी को आना चाहिए अदब और एहतराम के साथ, आके बैठे, अल्लाह का जिक्र करे, नमाज पढ़े और पढ़ करके एहतराम के साथ चला जाए। जैसे आवाजें बाजारों में उठती हैं वैसे मस्जिद में, इसका क्या मतलब है? लोगों के दिल से मस्जिद का एहतराम कर ले। वशुरी बल खम वलूबिसल हरी, और जब शराब पी जाने लगे, अल्लाह अकबर, शराब कम पी जाती है और इन मुल्कों में ओहो हर चौराहे के ऊपर शराब खाना है। जो नहीं जाता पीने उस पर ताज्जुब है, जो पीता है उस पर कोई ताज्जुब नहीं। हमारे मुल्कों में भी अब तो शराब आम हो गई है, और मुसलमान जिसके हाथ में 10 पैसे हैं, जवान जो मौजूदा तहजीब व तमद्दुन में पले बड़े हैं, शराब पीते हैं। मेरे यहां जगह है सेवारा, जिला बिजनौर के अंदर, वहां मुहर्रम के अंदर 10वीं मुहर्रम को जलसा निकलता है उनका। कहते हैं ये जो है ये इमाम हुसैन का लश्कर है 10वीं तारीख को। तो वहां हमारे जमीत उलमा के सदर थे, मरहूम मर गए, मौलाना जलील अहमद साहब, वो मुझसे कहने लगे कि जो शराब का दुकानदार है वो कहने लगा कि मौली साहब मेरी शराब जितनी मुहर्रम में बिकती है होली में नहीं बिकती। कौन पीता है मुहर्रम? मुसलमान। और क्या कह के पीता है? इमाम हुसैन के लश्कर में जा रहे हैं, जो मर हो जाए। ये हाल है उम्मत का। मैं एक दिन मुरादाबाद में, एक महल्ला है कुरैशियों का, बड़ी बेहतरीन जामे मस्जिद पुरानी बनी हुई है, मुझे मैं उसमें तकरीर कर रहा था, ऐसे ही मेरे सामने एक बड़े मियां बैठे थे, वो कुछ हरकत ऐसी कर रहे थे कि जो मुझे लगता था क्या क्या चीज है। एक आदमी उनके पास बैठा था, उसने रोकना चाहा,
वो फिर उसने कोई हरकत की तो उसने उसे धक्का दे दिया। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे क्या करे, वो हाथ पकड़ के ले गया बाहर से। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे तकलीर सुन रहा था, ये कहा तेरा मानो मैं शराब पी करके बैठा हुआ है, मस्जिद में बात सुनने के लिए आया था। ये हाल है मुसलमान, कहां से खुदा की रहमत आएगी। ولبس الحرير, अल्लाह ने मुसलमान मर्द के लिए रेशम के लिबास को हराम करार दिया है, न खाने में हलाल हराम की तमीज, पीने में न पहने। आगे दो चीजें बनाते, तेरहवीं और चौदहवीं चीज। واتخذت القيان والمعازف, तेरहवीं चीज है उत्तुखिदत कयान, चौदहवीं चीज है वल महासिफ। कयान कईना, कईना कहते हैं गाने वाली को, महासिफ मिजफ जिस पर गाया जाता है, तबला है, ढोल है, सारंगी और खुदा जाने क्या क्या है, उनको कहा जाता है महासिफ मिजफ। और जब मेरी उम्मत में गाने वालियों को अपनाया जाने लगे और जिन जिन चीजों पर गाया जाता है उसको अपनाया जाने लगे, उम्मत अब देख लो कौन आदमी है जिसके घर में गाना आज जितना आम है दुनिया में कभी इतना नहीं। कई मुसलमान हैं जो इतने बड़े मजमे में खड़े होकर के कह देंगे कि हम गाने वालियों से और जिन चीजों पर गाया जाता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्लाह का जो आदाब दुनिया में उतर रहा है और तन्हा मुसलमान पर, कोई कौम किसी कौम पर आजाद नहीं, अगर है तो मुसलमान के ऊपर है। अगर जलजले आते हैं और पूरी की पूरी आबादी भस्म हो जाती है मुसलमानों का है। अभी 6-7 साल हो गए संदीप के अंदर, आपका मुल्क है ऐसा लगा जैसे समंदर इधर से उठा 30 फीट ऊंचा और 5 मिनट के अंदर उधर चला गया। 7 लाख मर्द बच्चे औरतें 5 मिनट के अंदर खत्म। खुदा का आदा भी तो है, क्या हो गया। मैं कहने लगा कि भाई 10 लाख आदमी, वो भाई बंगाली तालिबे बैठा हुआ था बांग्लादेशी मेरे सबक के अंदर, वो कहने लगा नहीं नहीं 10 लाख, मैंने कहा कितने, कहने 7 लाख। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे 5 मिनट में 7 लाख आदमी मर जाए, मामूली बात है, क्या है, खुदा का अज़ाब है क्यों। यही असबाब है इसके, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बताया था और ऐसा लगता है जैसे देख रहा था कि 1400 साल के बाद क्या होगा। मेरी दावत होती है रोजाना, कहीं ना कहीं जाता हूं तो बड़ा करम होता है तो उस टेलीविजन के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, जैसे बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी से बच गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया था उम्मत जब इत्तखज़त अल-क़यान, कईना नाचने गाने वालियों से जिन चीजों पर गाना गाया जाता है उनको अपनाने लगे। आज तो एक एक हर्फ सही हो रहा है अल्लाह के नबी के फरमान से। मेरे भाई इसका एक और भी मतलब है, वाउतुखिदत अल-क़यान कईना नाचने वालियों को अपनाया जाने लगे।
क्या मतलब है? वो लड़कियां जो कुरान पढ़े हुए हैं, पर्दा करने वालियां हैं, खुदा का खौफ और तकवा रखने वालियां हैं, नमाज और रोजा करने वालियां हैं, शर्म हया अल्लाह ने उनके दिल में रखी है, वो तो घरों में बैठी हुई और अपनी जवानी काट रही हैं, कोई रिश्ता नहीं आता, कोई उनके हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, कोई उनसे शादी करने को तैयार। और वो लड़कियां जो गाने वालियां नाचने वालियां, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं, वो खुद ही अपने शौहर को, ये हैं आपके दामाद। जमाना है, हालात है, मेरी बात पर हंसते हो, रो, ये उम्मत का हाल है। मैं जो कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं है, यही हाल है। आदमी किसी बाहया बाशर्म आज का जवान उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, जो बेमहाबा है, बेगैरत है, बेहया है, बेशर्म है, उसके लिए किसी रिश्ते को तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना रिश्ता तलाश करेगी। और माँ बाप राजी है, जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, ये उसका अंजाम है। अल्लाह के नबी की तो ये तालीम नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को सिखलाया था, फरमाया था कि देख, दुनिया में जो शख्स अपनी बीवी को तलाश करता है कि मैं शादी करूं, तो आम तरीके पर आदमी या तो हुस्न और जमाल की वजह से शादी करे, भाई ये बहुत खूबसूरत, मैं फिर से शादी करूंगा, या माल और दौलत की वजह, भाई ये लड़की 10 भाइयों में एक ही लड़की है और बाप बड़ा दौलतमंद है, अगर ये मेरे घर में आ गई तो दौलत लेकर के आएगी। तीसरा सबब एक और होता है, इज्जत हसद का, मतलब अगर मैंने इसके घर में शादी कर ली तो ये बड़ा इज्जत वाला घर है, मैं इसके घर का एक आदमी शुमार हूंगा, सारी दुनिया में मेरी इज्जत होगी। ये तीन असबाब होते हैं शादी करने के। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू इन तीनों में से किसी सबब को तलाश न करना, तो ऐसी लड़की को अपने लिए तलाश करना जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। क्यों? तेरी औलाद जो इस खुदा का खौफ रखने वाली औरत के पेट में 9 महीने रहेगी, जब वो पैदा होगी वो भी खौफ खुदा लेकर पैदा होगी। और साहबा ने इसी के ऊपर अमल किया। कहां है आज का, देखे मुसलमान कहां था और कहां पहुंच गया। जो मुसीबतों के पहाड़ आ रहे हैं वो इसीलिए दुआ रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का नाम तो आपने सुना होगा, मुसलमान कौन है जो नहीं जानता, अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला तो अल्लाह के नबी के बाद अमीर बने 2 साल 6 महीने, उसके बाद दुनिया से चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को अमीर बना दिया गया, उन्होंने 10 साल बादशाह रहे गोया कि वो अमीर उल मोमिनीन। आजकल के बादशाहों की तरह नहीं थे, रात को निकला करते थे कि देखो मदीने वालों का हाल क्या है। एक दिन निकले, देखा कि एक घर है, उस घर का दरवाजा भी नहीं है, जाके खड़े हो गए रात के अंधेरे में, कुछ आवाज आ रही थी तो सुना कि एक औरत है जो अपनी लड़की से कह रही है कि जानवर का दूध निकाल ले अंधेरे में। वो लड़की उठी और उसने दूध निकाल लिया,
जब दूध निकाल लिया तो माँ से कहा कि निकाल लिया, तो माँ ने कहा जिदी फी हिलमा, इसके अंदर पानी मिला दे, 2 किलो है 2.5 किलो हो जाएगा, 4-5 किलो है 6-7 किलो हो जाएगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो लड़की ने कहा कि अल्लाह अकबर, मुझे ये कह रही हो कि इसमें पानी मिला दूं। कहने लगी अला तखाफीना उमर, अरे माँ उमर जैसे बादशाह से डर नहीं रखता तुम्हें? तो माँ कहने लगी ला यराना उमर, उमर हमें देख तो नहीं रहा है। और हजरत उमर खड़े हुए सुन रहे हैं, कहती है उमर हमें देख थोड़ा ही ना। तो लड़की ने जवाब दिया इन ला यराना उमर फरब उमर यराना, अगर उमर नहीं देखा है तो उमर का अल्लाह को देख रहा है। मसला खत्म हो गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला चले गए। जब सुबह हुई और बैठे लोगों कहा भाई ये देखो फला फला रास्ते के अंदर फला जगह एक घर है ऐसा ऐसा, उस घर में कौन रहता है? लोग गए जाके देखा, कहा के अमीर उल मोमिनीन एक औरत है, पता नहीं किस खानदान की है कहाँ की है, कोई मर्द नहीं है, एक औरत है उसकी एक लड़की है और एक जानवर है, उसी का दूध लेकर के खाते हैं पीते हैं, सारी जिंदगी का गुजारा उसी के ऊपर है। फरमाया मेरे लड़के का रिश्ता उस लड़की से ले जाकर के, वो इस्लाम के ऐसी इज्जत का वक्त था कि अगर अमीर उल मोमिनीन उमर अपने लड़के का रिश्ता फारिस या रूम के बादशाहों के यहाँ भेजते तो वो रिश्ता नामंजूर नहीं हो सकता था, मगर एक ऐसे घर में जिस घर का दरवाजा भी नहीं, पता नहीं किस खानदान की औरत है, पता नहीं वो लड़की अंधी है लंगड़ी है लूली है काली है गोरी है कानी है, कुछ पता नहीं। मगर उमर ने खुद सुना था कि इस लड़की के दिल में अल्लाह का खौफ है और रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था कि इंतखाब उस लड़की का करना जिसके दिल में खौफ खुदा है। उमर ने उसी लड़की से बच्चे की शादी की। मुअज्जिन ये कहते हैं खुलफाए बनू उमैया में एक बहुत बड़े वली कामिल एक बादशाह गुजरे हैं, सन 99 से लेकर के 101 तक, बस सिर्फ 2 साल बादशाह रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनका नाम है उमर इब्न अब्दुल अजीज। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स उनके कौल को दलील बना करके बुखारी में पेश करता है, इस दर्जे का। मुअर्रिखीन खुलफाए राशिदीन में जो 4 खलीफा हैं अबू बकर उमर उस्मान अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उमर इब्न अब्दुल अजीज का उनमें शुमार करते हैं 5वें खलीफा। ये कहते हैं कि इस लड़की के पेट से जो नस्ल चली है उसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुआ है। बात तो ये थी, लेकिन जब उम्मत इन सब से आजाद हो करके वो लड़कियां जिनके दिल में खौफ खुदा है वो तो अपने घर में बैठी हुई है, कोई उनको रिश्ता देने को तैयार नहीं, और वो लड़कियां जो मादर पिदर आजाद हैं उनके यहां रिश्तों की कमी नहीं है, वो खुद ही अपना रिश्ता लेकर के आती हैं और मां बाप तैयार। 15, 14 और 15वीं जी फरमाते हैं वलअना आखिर हादिह उम्मती अव्वलहा, और मेरी उम्मत में बाद में आने वाले लोग पहले लोगों को जिन्होंने दीन और शरीयत और कुरान को रसूलुल्लाह से लिया और लेकर बाद वालों को दे दिया, सहाबा
फिर वो ताबेईन जिन्होंने सहाबा को देखा, इल्मे नबुव्वत को लिया और तबे ताबेईन को दे दिया, उन लोगों को बाद में आने वाले होना ये चाहिए था कि उनके एहसान को मानते, उनका इकराम करते, उनके सामने सर तस्लीम खम करते। नहीं, होते कौन है? उमर, अबू बकर कौन होते हैं? उस्मान कौन होते हैं? एक अजान को बढ़ाने वाले कौन होते हैं? उमर 20 रकात तरावी करने वाले, ऐसा मालूम होते हैं। उमर क्या है? एक ठेला चलाने वाले, रक्षा चलाने वाले हैं उमर। जब ये जमाना आ जाए कि बाद में आने वाले उम्मत में पहले लोगों को बुरा भला कहने लगे, बेइज्जती करने लगे, उस वक्त इंतजार करो किस चीज का? फरमाते हैं, आग बरसाती हुई हवाएं चलेंगी, तूफान आएंगे, खसफन अव मसखन, जमीनें फट फट जाएंगी, जलजले आएंगे, पहाड़ अपनी जगह से हट हट जाएंगे, आबादियों की आबादियां दंग कर जाएंगी। कौन कहता है? अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, जमीन और आसमान टल सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कहा गलत नहीं, हमारा ईमान है। फिक्र करो, मैंने तो इसका तर्जुमा पेश किया आपके सामने और दो तीन चीजें जिनको मैंने समझा के मुआशरे के अंदर कमजोरी ज्यादा है, मैंने उसको आपके सामने पेश किया। अपने मुआशरे को अच्छा करो, माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करो। सही है, जहां माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ हुक्म देते हो वहां इताअत अल्लाह और उसके रसूल की जाएगी, माँ बाप की नहीं। लेकिन जिंदगी के आम रहन सहन में हर वक्त माँ बाप के सामने सर को झुका दो, उनकी इताअत और फरमा बरदारी में कमी न करो। दूसरे, अपने घरों के अंदर हया और शर्म को पैदा करो, तस्वीरों को देखना, नाचने और गाने से खुद अपने कानों को, उससे बड़ी मुसीबत ये कि अपने बच्चों को दिखलाना। इसका मतलब है कि आज ये मुआशरा ऐसा है, हमारी मौत के बाद हमारे बच्चे ईमान और इस्लाम पर कायम नहीं रह पाएंगे। हमारा ये फर्ज है कि हम इसकी फिक्र करें कि हमारे बाद भी हमारे घरों के अंदर ईमान की रोशनी बाकी रहे, उसकी फिक्र करो। नहीं करोगे तो कल कयामत के दिन अल्लाह के यहां हिसाब देना होगा। अल्लाह हमारी दुनिया को भी बेहतर फरमाने, हमारी आखिरत को भी बेहतर फरमाने, हमारे दिलों के अंदर अपना खौफ पैदा फरमाए, फिक्र आखिरत पैदा फरमाए, हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, शुरूर और फितन से महफूज और मामून फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। ऐ परवरदिगार, हमारे बच्चों की सही तरबियत की सआदत हमें अता फरमाए, हमारी मौत के बाद भी हमारे घर के अंदर, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर इस्लाम और ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें रिज़्क हलाल अता फरमा, हर हराम की नफरत हमारे दिल के अंदर रासिख फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा,
जो कर्ज में फंसे हुए हैं इलाहल आलमीन उन्हें कर्ज से मुक्त और अपने फजल करम से नवाज। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिही वसहबी। अब तो ऐलान 10 बजे का किया है, 10 बजे तक इंतजार करो और अल्लाह हम तो चले।